क्वेश्चन नंबर एट हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे, तो लेट कर लेते हैं इसे कुछ, लेट कर लेते हैं इसे वाई, तो इसे कर लेते हैं लेट, हम यू लेट कर लेते हैं इसे, इसे कर लेते हैं वी। हमें क्या पता चला कि हमारे वाई जो है वो इक्वल है हमारा यू प्लस वी के। हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स आएगा। तो ये निकाल लो, ऐड कर दो, जो कि हम करते आए अब तक। तो हमारा u क्या है, लेट u इज इक्वल टू क्या है हमारा, साइन x की पावर, x पावर में कोई वेरिएबल है तो लॉग लेके सॉल्व होगा, बोथ साइड लॉग ले लो, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल गया, log u इज इक्वल टू log साइन x की पावर x। हमें क्या पता है, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n log m के, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, log u हमारा इक्वल होगा, पावर क्या है x है ना, तो x लिख दो यहाँ पे, और फिर जो भी है log साइन x है वो सेम टू सेम उतार दो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी तो फिलहाल हमने बस लॉग की प्रॉपर्टी ही यूज़ की है, तो डिफ्रेंशिएट करना हमें अच्छे से आता है। तो इसे कुछ मान लो, इसे यू मान लेते हैं, इसे वी मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, यू डैस वी प्लस वी डैस यू, यू इंटू वी रूल लगा दो इसमें, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या मिलेगा, लॉग यू को करो डिफ्रेंशिएट, लॉग का होगा हमारा वन अपॉन यू, फिर u को करो, u का आएगा हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू में u डैस वी प्लस वी डैस यू होता है फॉर्मूला, है ना। तो x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें वन मिलेगा, तो वन इंटू में जो भी v है हमारा, v क्या है, log sin x, तो हमें log sin x ही मिल गया। फिर u डैस वी प्लस वी डैस यू, v हमारा ये है log sin x, इसे करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन sin x मिलेगा, और साइन एक्स को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, इनटू में कॉस एक्स मिल जाएगा, फिर इनटू में यू, यू क्या हमारा एक्स है, तो इनटू में एक्स। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हमें निकालना क्या था, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारा, यू डिवाइड में है मल्टीप्लाई कर दो, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन एक्स की पावर एक्स, तो साइन एक्स की पावर एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे के साथ, ये पूरा है क्या हमारे पास, log साइन x प्लस cos अपॉन साइन क्या होता है हमारा, cot होता है, इंटू x है, तो x cot x। ठीक है, अब इसके बाद डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, v क्या है हमारा, v है हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। हमें निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, वी का डी वी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, इसे करो डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को, इसे करना काफ़ी आसान है कि नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का हमारा इक्वल होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे, है ना। इसके बाद अंडर रूट एक्स करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है हमें, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स मिलता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर, सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसे ताकि देखने में अच्छा लगे, डी वी अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स आएगा इनटू में टू भी है तो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, ये डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, और डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पे है, पुट कर दो या बोलूँ तो मैं दोनों को ऐड कर दो, तो इससे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो सिंपल सा। ठीक है, तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो
मिल जाएगा। ठीक है, डन, इतना ही करना है, ऐसे ही करना है। ठीक।